स्वागत, आपका बहुत ही स्वागत है। और हम मौजूद है राजभवन के समीप जहाँ पे धरना कार्यक्रम चल रहा है। आपको बताते चले कि झारखंड में इस बार सूखा ग्रस्त, जी हाँ, झारखंड पूरा सूखा पड़ चुका है। ये खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कहा है कि इस बार जितना मानसून होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस वजह से किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज को लेकर भारतीय युवा मोर्चा और किसान मोर्चा जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है और साथ ही ये मांग कर रही है सरकार से कि जल्द से जल्द किसानों के लिए कोई नीति लेकर आए और उनको फाइनेंशियल हेल्प करें ताकि उन्हें इस सूखाग्रस्त और आपदा से उभरने में सहूलियत हो। आइए सुनते हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सदस्यों ने जी एन भारत से क्या कुछ कहा। देखिए, निश्चित तौर पर अब तो सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। पलामू में 1%, गढ़वा में 1.5%, लातेहार में 3% की रोपनी हुई है। ये खुद किसी मंत्री का अपना आकलन है। मीडिया के बंधुओं को पता होगा कि उनका 2 दिवसीय पलामू दौरा, पलामू प्रमंडल का दौरा था। हम लोगों ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कल उनको अपना मांग पत्र दिया है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। और हमारा स्पष्ट कहना है कि हम किसानों के हित में कोई आईवास नहीं चाहते हैं, सिर्फ घोषणा नहीं चाहते हैं जो कि मीडिया के प्रथम पंडे पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए और एक्चुअल किसानों को कुछ ना मिले। केंद्र सरकार जो का जो सूखा का मानक है, राज्य सरकार उसको मैच करा के और राज्य में कृषि की स्थिति को देखते हुए, और यहाँ छोटे और मंझले किसान ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत बड़े किसान नहीं है, सीमांत किसानों की संख्या झारखंड में ज़्यादा है, उनको मद्देनजर रखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम आज आग्रह करने बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद आज पूरे प्रदेश में ये धरना चल रहा है कि एक अच्छा पैकेज लेके आए, क्योंकि आप कहते हैं कि झारखंड ने आपको जनादेश दिया है, तो उस जनादेश को सम्मान करने का वक्त आया है। पहली बार यूपीए की सरकार में सूखा की स्थिति बनी है, पूरा प्रदेश 3.25 करोड़ जनता और 2 करोड़ किसान इनकी ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि ये क्या पैकेज लेकर आएंगे या सिर्फ आयुवा ज्ञापन के बाद अगर काम नहीं बनेगा तो ये किसान विधानसभा की ओर कूच करेगा, क्योंकि अगर झारखंड का किसान भूखा रहेगा, तड़पेगा और कल्पेगा तो हम झारखंड को कदापि चलने नहीं देंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नींव को हिलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत धीमी तैयारी है, क्योंकि एक दिन में तो हुआ नहीं कि कल बारिश नहीं हुई और राज्य सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए। आप देखिए कि बगल के राज्य में बिहार की भी यही स्थिति है, लेकिन वहाँ पे और वहाँ लोगों को राहत पैकेज मिलना शुरू हो गया है, तो पैकेज डायरेक्ट उन तक जाए। और सबसे बड़ी बात जो हमने कल कृषि मंत्री को हम लोगों ने रखा है कि ग्रामीण बैंकों की मनमानी को बंद करनी पड़ेगी, ये किसानों के खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। जैसे चीट फंड कंपनियां लोगों की पैसा उड़ा देती है, ये किसानों के खाते से कुछ कुछ नाम से अलग अलग हेड से किसानों का पैसा उड़ा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और ये मामला को भी हमने कृषि मंत्री को लिखित में कल दिया है और हम किसानों का बैंक स्टेटमेंट लेके भी कृषि मंत्री को देंगे। तो हम चाहते हैं कि झारखंड के किसानों में के हित में राज्य सरकार का एक बड़ा निर्णय जल्द आए। ग्रामीण दोनों को महानगर महानगर ग्रामीण का संयुक्त है, संयुक्त है किसान ग्रामीण है ना, ग्रामीण ना 80% ले 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 रहा ले हां बोलिए। छात्र छात्राओं के द्वारा भी यहां पर आए दिनों में धरना प्रदर्शन किया, रात से होकर जाते किसी की मांग पूरी या तो क्या कुछ। झारखंड में ऐसी गूंगी बहरी सरकार है, लोग बेहाल हैं, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। कभी छात्रों का आंदोलन, कभी यहाँ देखिए पुलिस अधिकारी का दिन दहाड़े कुचल के मार दिया जाता है। किसान बेहाल हैं, झारखंड के किसान अभी देखिए सूखा के चलते उनके ऊपर इतना ऋण है जो सोच सोच के परेशान है। कम से कम उन्हें ऐसा व्यवस्था दिया जाए, बिचड़ा का व्यवस्था किया जाए कि वैकल्पिक खेती कर सके, उनको कुछ भी राहत मिल सके, उनका ऋण को माफ़ किया जाए, बिजली बिल है उनको सरकार माफ़ कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना पर बैठे हैं। इसके पहले भी हमने डीसी को एक ज्ञापन दिया था, इसमें हमने अपनी 9 सूत्री मांग दिए थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल मेरे प्रदेश के अध्यक्ष कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने भी अपना ज्ञापन दिया और अभी तक सरकार अपने नींद में सोई हुई है। उसको जगाने के लिए हम लोग आज राजभवन के सामने धरना पर किसान मोर्चा रांची महानगर ग्रामीण के साथ बैठे हैं। आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम लोग आगे भी और कार्रवाई करेंगे, इस आंदोलन को हम बृहद रूप में ले जाएंगे और सर किसानों के हित में जितना आगे जाना होगा
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जाएगी। सुखाड़ के ऊपर बैठक किए हैं, लेकिन अभी वो फसल का अभी तक क्या कहते हैं उसका विश्लेषण ही कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत पहले ही यहाँ क्या कितना बारिश हुआ है उसका आकलन अभी तक कर लेना चाहिए था। अभी तक जब हम लोग ज्ञापन दिए तब इनकी नींद खुली है। हम लोग 21 तारीख को जाकर ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद कुछ सुखबुगाहट सरकार के ऊपर आया है, लेकिन इसको उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। अभी मुश्किल से 48% बारिश हुई है, सब जगह बिचड़ा सूख गया है। कम से कम ऐसा बिचड़ा की व्यवस्था किया जाए कि किसान और कुछ दूसरा भी खेती कर सके। डीजल में कम से कम माफ़ कर दिया जाए, बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए, किसान को कुछ राहत मिले। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग अपने धरना। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना कि इसमें तैयारी नहीं थी, तैयारी पहले से करके आने चाहिए थी, तैयारी की कमी थी, इसीलिए आज ये सूखाग्रस्त दिन देखना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए था पहले से ही इसकी तैयारी करके चले, क्योंकि मॉनसून जो है वो एक दिन में कम या ज्यादा नहीं होता, बल्कि स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाता है कि इस बार मॉनसून जो है वो कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही तो सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के हित में सरकार क्या कुछ करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।